Assalamualaikum, मैं सुलेखा अरफान सुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं हलवाई जैसे आलू की सब्जी, उसके साथ जो पूरियां होती है गर्मा गर्म फुली फुली सी पूरियां। तो दोनों रेसिपीज एक साथ बनाते हैं, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिशेस बनाते हैं आज की। चलिए पांच आलूओं को स्लिट मारकर कुकर के अंदर डाल दीजिए, पानी भी डाल दीजिए और नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। अगर आपने नमक नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं और ढक्कन लगाकर इसे तकरीबन समझिए ना फास्ट आंच पर 5 से 6 सीटी खिला लीजिए। जब 5 से 6 सीटी हो जाए तो इसे ठंडा हो जाने दीजिए चूल्हा बंद करने के बाद। जब ठंडा हो जाए तो इसे छान लीजिए हमारे आलूओं को और छन्नी के ऊपर रहने दीजिए। जब ठंडे हो जाए आलू, रफली ठंडे हो जाए, तो इन्हें छील लीजिए। और यहाँ पर ना दो तरीके हैं, यूजुअली ये वाली रेसिपी में ना हाथों की मदद से मैश कर लेते हैं, रफली मैश करना होता है, लेकिन मैं हमेशा इस तरीके से छुरी की मदद से काट लेती हूँ। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो हाथों की मदद से मैश कर ले या मेरी तरह छुरी से इसे रफली काट लीजिए। चलिए अब हम बघार लेते हैं। एक कढ़ाई लीजिए और कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं जितना आपने डालना है। इसमें डाल देती हूँ मैं, चूल्हा फास्ट आंच पर पहले चालू कर दीजिए, 2 तेज पत्ता डाल दीजिए, 1 डंडी दालचीनी की, 2 हरी इलायची और 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। ये सारे गरम मसालों को तड़तड़ा जाने दीजिए तेल में, अच्छे गरम हो जाए, तड़तड़ा जाए। तो यहाँ मीडियम साइज़ की एक प्याज डाल दीजिए, छुंदा करी हुई, बारीक कटी हुई यानी के, और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर पका लीजिए। तब तक पकाएं जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। हाँ, जब प्याज हल्की गोल्डन हो जाए तो इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जब कच्चापन चला जाए तो यहाँ पर 2 टमाटरों को मैंने बारीक काटा है, छील निकाल ली है, और लाल टमाटर थे इसे भी डालकर चला लीजिए और इसे ढक कर स्लो आंच पर 3-4 मिनट पकने दीजिए। सो दैट हमारे जो टमाटर है ना ये नम होने चाहिए। हाँ, खोल लीजिए 4-5 मिनट के बाद, देख लीजिए टमाटर नम हुए हैं कि नहीं। हो गए हैं तो ये जो स्पैचुला की मदद से इस तरीके से मैश भी करती जाइए, क्योंकि हमें अच्छे खासे मैश करे हुए चाहिए। जब अच्छे पल्प में फॉर्म हो जाए तो नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे कश्मीरी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है तो मैं 1 डाल रही हूँ, आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। 1/2 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब ये सारी चीज़ों को डालकर एक बार चला लीजिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो चूल्हे को मैंने मीडियम कर दिया है। हाँ, और एक बार मिक्स हो जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ, समझिए ना 1/4 कप जितना, और पानी डालकर इसमें एक उबाल खिला लीजिए। आप चाहें तो मीडियम आंच पर या आप चाहें तो फास्ट आंच करके भी इसके उबाल खिला सकते हैं। जब उबाल आ जाए तो इसे स्लो आंच करके ढक कर तकरीबन पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक हमारे मसाले भून नहीं जाता है, टमाटर और नम नहीं हो जाते और एकदम घुल नहीं जाते और तेल नहीं छूट जाता, बस वहां तक ही पकाना है। 4-5 मिनट हो गया है, तेल ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं मसाला भून चुका है, टमाटर तब भी थोड़े लगे, तो ये स्पैचुला की मदद से मैश करते जाइएगा, दिक्कत नहीं है, मैश करते जाइए। और अब आलूआ जो हमने साइड पर रखी है रफली काट कर, ये सारे डाल दीजिए और इसे चूल्हा मीडियम कर इसे बार बार चलाते हुए आलूओं को मसाले में 2 मिनट तक भून लीजिए। बार बार चलाते रहिएगा कि नीचे लगे ना। जब आपको लगे कि हल्का हल्का नीचे लगने जा रहा है, मतलब मसाले में भून चुके हैं, तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ। पानी आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ 1.5 कप जितना पानी डाल रही हूँ। चूल्हा फास्ट आंच कर दीजिए, एक बार चला लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब हल्का हल्का उबाल आने लगे ना, तो 1 छोटा चम्मच जो कसूरी मेथी आती है ना सूखी हुई, उसे हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिए और इसे उबाल अच्छा आ जाए, एक बार चला लीजिएगा, उबाल अच्छा आ जाए तो इसे स्लो आंच करके ढक कर तकरीबन 10 मिनट तक पकने दीजिए स्लो आंच पर। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, आलू तो वैसे ही पके हुए थे
और ये जो तेल है आप देख सकते हो ऊपर आ चुका है। अच्छा, आपको लगे कि थोड़े से आलू आपको और मैश करने हैं तो आप कर दीजिएगा, नहीं तो बाय दिस टाइम हम 10 मिनट इसी के लिए पका रहे, क्योंकि आलू तो पके हुए ही थे, हम यहाँ 10 मिनट इसके लिए पकाते हैं सो दैट वो खुद ब खुद टूटे और शोरबे में जाकर खुद ब खुद मैश होके वो शोरबे में मिल जाए और उसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए नमक डाल दीजिए अगर आपको एडजस्ट करने जैसा लगे तो। यहाँ पर मैं थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल देती हूँ, 2-3 हरी मिर्चियों को स्लिट मारकर डाल दीजिए, चूल्हा कर दीजिए बंद। मैं 5-10 मिनट के बाद सर्व कर रही हूँ तो मैंने हरी मिर्चियाँ निकाल ली हैं, फिर से थोड़ा सा गर्म किया है और इसे मैं एक प्लेट में यानी कि सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ और सर्व करूंगी, तब मैं फिर से ऊपर हरी मिर्चियां डाल दूंगी। अच्छा, फर्ज करो कि आपको लग रहा है कि जब आप सर्व कर रहे हो कि ग्रेवी कम है, कुछ नहीं, आप गरम पानी 1/4 कप जितना करिए हमारी सब्जी में डाल दीजिए और उसे मिक्स कर कर 1-2 मिनट तक पकने दीजिए, स्लो आंच पर ढक कर 2-3 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद और गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लीजिए सर्व करने के लिए। थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, हरी मिर्चियाँ जो मैंने साइड पर रखी थी वो डाल दिया है मैंने, और अब मैं इसे गर्मा गर्म फूली फूली सी पूरियों के साथ सर्व कर रही हूँ। पूरियों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। जब आप हाथों की मदद से आलूओं को मैश करके डालते हैं ना तो इस तरीके से एंड में है ना हमें साबुत साबुत आलू ज्यादा मिलते नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घुल जाते हैं, हमारे हाथ से ज्यादा प्रेस हो जाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा काट कर डालती हूँ कि एंड में वो खुद ब खुद 10 मिनट के अंदर तो वो घुल के टूट कर हमारी सब्जी के अंदर घुल ही जाते हैं, और नहीं भी हुआ तो आप स्पैटुला की मदद से उसे प्रेस कर कर घुला सकते हैं। एक बड़े से बाउल में या फिर मैं तो इसे पातर कहती हूँ, पातर के अंदर मैं 1.5 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ, नमक डाल दीजिए और सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। जब अच्छा मिक्स हो जाए तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दी जाए और इसे अच्छा आटा गून लीजिए। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, हमें ये आटा इस कदर गूनना है कि ये सॉफ्ट ना हो और ऐसा भी लग रहा है कि लड्डू ना हो जाए, कि आप उसे बेल ही ना पाओ, ऐसा भी हार्ड नहीं चाहिए लेकिन सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और वैसा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, आप समझ गए। तो उस हिसाब से आपने हल्का सा जो हार्ड की तरफ आटा होता है वैसा गूनना है, तो ज़्यादा पानी इसलिए मत डालिएगा, और जब पानी डालें भी तो थोड़ा थोड़ा डालें, मसलें उसे अच्छे से हमारे ये आटे को, और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें तो उससे आपको अंदाज़ा बेहतर आएगा। ये देखिए अच्छा कंबाइंड हो गया, उसके बाद तकरीबन 3-4 मिनट तक हाथों की मदद से मसलिए। अब क्योंकि इस समय तो आपको पानी डालने की ज़रूरत है ही नहीं और नहीं तेल भी डालना नहीं है हमें, बहुत अच्छे से 4 से 5 मिनट तक हाथों की मदद से मसलते जाइए हमारे आटे को। जब 4-5 मिनट हो जाए तो इसे ढक कर साइड पर रख दीजिए। मैं 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख रही हूँ, लेकिन आप नहीं रखना चाहते तो यहीं से शुरू कर सकते हैं। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब ये जो आटा हमने गून के रखा है इसके पेड़े बना दीजिए। अब मैं तो 6-7 बना रही हूँ तो 6-7 के पेड़े बना रही हूँ, और आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े भी नहीं लेने हैं हमें, ज़्यादा बड़े बड़े आटे का पेड़ा नहीं बनाना और बहुत छोटे छोटे भी नहीं, आप देख सकते हैं मैंने कितनी मीडियम साइज़ ही रखी है, और यहाँ सारे मैंने पेड़े बना लिए सो दैट बेलने के लिए हमें आसानी रहे ना। अब थोड़ा सा मैं तेल आगे पीछे लगा रही हूँ और इसे अच्छे से बेल लीजिए, ना ही पतली ना ही मोटी, मीडियम साइज की, मीडियम थिकनेस की, हमें छोटी रोटी जिसे हम कह सकते हैं, बस ये समझिए कि आप छोटी सी वर्जन बना रहे हैं रोटी का बस। तो ये बन गई हमारी, 1-2 बार आप लगा रहे हो बेलन तो बस बन गई, अब इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बेल लीजिए। अब क्या कीजिए, आप एक बेली और एक रोटी पूरी उसी समय फ्राई कर लीजिए, लेकिन मैं क्या करती हूँ हमेशा सारी पूरियाँ जो बनानी है वो एक साथ बनाकर फिर एक साथ फ्राई करती हूँ, तो वो ज़्यादा हमारा टाइम भी सेव होता है। तो ये देखिए दूसरी भी बना ली। अच्छा, अब आप चाहें तो तेल के बजाय सूखे आटे से भी कर सकते हैं, लेकिन सूखा आटा ज़्यादा मत लगाइएगा, थोड़ा ही सूखा आटा लगाइए और इसे इस तरीके से मीडियम साइज़ की छोटी सी रोटी बेल लीजिए। अच्छा, अब सूखा आटा काफ़ी लोग इसलिए लेने भी लगाते हैं क्योंकि वो जो हम तेल में फ्राई करते हैं ना तो आटा बहुत उसके अंदर रह जाता है तो हमारा तेल खराब हो जाता है, लेकिन यूजुअली अगर आप कम ये आटा लगाएंगे ना और उसमें बेलेंगे ना तो हमारा तेल खराब नहीं होता है।
चलिए अब अच्छा तेल गरम कर लीजिए फास्ट आंच पर। जब अच्छा तेल गरम हो जाए तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए, मैंने आटे का बॉल बना के डाला है। अब ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, मतलब अभी भी थोड़ा सा तेल गरम होना बाकी है। तेल अच्छा गरम हो फिर ही डालिएगा। तो थोड़ी देर के बाद में डाल रही हूँ, देखिए हल्का सा धुआं निकलने लगा। तो अब मैं यहाँ पर ये जो हमारी पूरी है इसे मैं डाल देती हूँ, लेकिन साइड से डालिएगा, एकदम बीच से मत डालिए, नहीं तो आपके ऊपर उड़ेगी। और हल्का सा आपके स्पेचुला से बीच में प्रेस कीजिए, हल्का ही प्रेस कीजिए, देखिए फूल गई माशाल्लाह। अब उलट पलट करें और हल्की सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो तो बस निकाल लीजिए। और ये बन गई हमारी माशाल्लाह पूरी, कितनी मजेदार सी फूली फूली सी बन गई है, आप देख सकते हैं। और ये आप इस तरीके से बनाओगे तो आपकी सारी जो पूरियां हैं जरूर फूलेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, मुझे बीच में स्पेचुला ये जो इससे मुझे प्रेस भी करने की हमारी पूरी को जरूरत नहीं पड़ी, और ये हो गई। इसी तरीके से सारी एक एक करके पूरियां सेक लीजिए। अच्छा अब मेरा तो आप देख सकते हैं कढ़ाई इतनी छोटी है कि दूसरी तो कहाँ ही समा पाएगी। तो अगर आपकी कढ़ाई बड़ी हो और अगर आप एक्सपीरियंस्ड बंदी हो तो आप दो दो तीन तीन एट अ टाइम डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हो, फर्ज करो बिगनर हो, तो मैं तो आपको सलाह दूंगी एक एक फ्राई कीजिए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि तेल का मामला है। और ज़रा संभाल के फ्राई कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह सारी पूरियाँ फूल रही है ना हमारी। अगर आप बिगनर्स हो और आपको पूरी के शेप की जरा टेंशन हो रही है कि बराबर राउंड आएगा कि नहीं आएगा, तो आप एक बड़ी सी रोटी कोई भी शेप की बना लीजिए, और कटोरी या वाटी हो तो इसी शेप की वाटी लगा लगा कर इसकी पूरियां निकाल लीजिए। एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे तो तीन चार तो आराम से निकल जाएगी। बट हाँ, ये बात जरूर है कि वो तीन चार जो उस वाली रोटी से बनेगी ना, तो तीन चार में एक दो फूलेगी और एक दो नहीं फूलेगी। लेकिन इसमें गारंटी है कि ये देखिए सारी बन चुकी है और सारी फूल गई है, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। तो मैंने छन्नी के ऊपर रखा है कि हल्का सा भी जो तेल हो वो एक्सेसिव निकल जाए। अब आप छन्नी में नहीं डालना चाहते तो आप जो टिश्यू पेपर आता है उस पर रख दीजिएगा। अब ये गर्मा गर्म फूली फूली सी पूरियों को मैं हलवाई जैसे आलू की सब्जी के साथ सर्व कर रही हूँ। वह है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।